हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ एमपी डीएलएड सेकंड ईयर का सब्जेक्ट शाल्य संस्कृति नेतृत्व और शिक्षा विकास, मतलब स्कूल कल्चर लीडरशिप एंड टीचर डेवलपमेंट। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं और आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम इसी सब्जेक्ट का है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव टाइप और जितने भी मल्टीपल चॉइस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो भी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, वास्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो सारे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही बेल बटन को क्लिक कर लिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन या अपडेट आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई है, ठीक है। यहाँ थोड़ा करेक्शन है, ये है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, योग योग नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप यहाँ पर जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1986, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर दूसरा है एक आदर्श शिक्षक का गुण है, तो एक आदर्श शिक्षक का गुण क्या है, सहनशीलता, सामाजिकता, व्यावसायिक दृढ़ता, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण पृष्ठ पोषण पद्धति के जनक हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एफ मन, दूसरा ऑप्शन है टी पी नन, फिर है जे एस रारा, फिर है गेज। तो इसका ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट वाला, यानी कि ए, एम एफ मन। फिर है मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो मिड डे मील योजना का जो प्रारंभ है वो 1995 में हुआ था। अब भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और है आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको ऑप्शन में भी आ सकते हैं, विदाउट ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है, तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम हुआ है 1994 में। शाल्य प्रभावशीलता की विशेषता है तो क्या है, इसकी सर्वोत्तम प्रबंधन। समूह नेतृत्व की मुख्य विशेषता है, तो इसमें आंसर होगा समन्वय। बालिका शिक्षक की प्रमुख समस्या क्या है, तो ये होगा रूढ़िवादिता। शिक्षक शिक्षक के सिद्धांत हैं, कितने सिद्धांत हैं, तो शिक्षक शिक्षक के चार सिद्धांत हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख संबंध है माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा, तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक शिक्षा। फिर है शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है, तो शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य नियोजन करना, शिक्षण कार्य करना, निर्देशन एवं मूल्यांकन, ये सभी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का अर्थ है, तो पेडागोजी का अर्थ होता है शिक्षण शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। शिक्षण शास्त्र के साथ आपको भाषा विज्ञान, रसायन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान, ये भी ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षण शास्त्र। फिर निःशुल्क शिक्षा हेतु आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो कब से कब तक होती है, कि निःशुल्क शिक्षा की एज आप लोगों को पता है वो होती है 6 से 14 वर्ष तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद्यालय संस्था है, तो विद्यालय कैसी संस्था है, सामाजिक, पारिवारिक, सामुदायिक या इनमें से कोई नहीं, तो विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर अ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य शिक्षा किस कक्षा तक दी जाती है, तो यहाँ ऑप्शन है 10वीं तक 12वीं तक 5वीं तक या 8वीं तक, तो इसका आंसर होगा 5वीं तक। मानक का अर्थ है, तो मानक का अर्थ होता है मापदंड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा पहला प्रश्न है, वो है राइट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं सबसे पहले इसको इंग्लिश में पढ़ के बता देती हूँ, फिर इसको मैं हिंदी में समझा दूंगी। सो हमारा आंसर है टैगोर सेड दैट द प्रिंसिपल एम ऑफ एजुकेशन शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। फॉर दिस ही एम्फेसाइज्ड अपॉन इनर डेवलपमेंट, अटेनमेंट ऑफ इनर फ्रीडम, इनर पावर एंड एनलाइनमेंट। तो इसका मतलब ये है टैगोर के अनुसार जो शिक्षा है उसका
मेन सिद्धांत ये होना चाहिए जो बच्चा है उसकी पर्सनालिटी सिर्फ बाहर से ही चेंज ना हो, जो बच्चे की पर्सनालिटी है वो अंदर से भी चेंज हो, उसके अंदर जो मोरल डेवलपमेंट है वो बढ़े। तो इस आंसर का मतलब है टैगोर के अनुसार जो बच्चा है उसका जो शिक्षा का उसका जो उद्देश्य सिर्फ ये नहीं हो कि अच्छे मार्क्स लाना है या हमें जॉब चाहिए, उसका उद्देश्य ये भी हो कि उसके अंदर की जो मोरल वैल्यूज हैं और उसका जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़े, वो आदर्शवादी बने, उसमें आत्मविश्वास बढ़े और उसको में जो कुछ करने की चाह बढ़े। तो टैगोर के अनुसार वो मानते हैं कि जो एजुकेशन है यानी जो शिक्षा है उसका जो मेन सिद्धांत है वो यही होना चाहिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है राइट मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। जो आपका ये टॉपिक है एक्शन रिसर्च, इस पर आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। आप इसके एडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं, डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि एक्शन रिसर्च होता क्या है। हिंदी वालों के लिए इसका क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ लिखें। तो एक्शन रिसर्च इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी अंडरटेकन बाय पार्टिसिपेंट इन सोशल सिचुएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रैशनैलिटी एंड जस्टिस ऑफ देयर ओन प्रैक्टिसेस, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रैक्टिसेस एंड द सिचुएशन इन विच द प्रैक्टिसेस आर कैरिड आउट। तो एक्शन रिसर्च का मतलब होता है जब हम लोग अपने आप को सोसाइटी में रख के अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ें इम्प्रूव होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें किन चीज़ों में प्रैक्टिस करना चाहिए, किस चीज़ में सुधार करना चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। और ये जो एक्शन रिसर्च है ये जब भी हो सकती है जब हम लोग सोसाइटी में रहेंगे। हम लोग जब सोसाइटी में यानी समाज में रहते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, उनके ओपिनियन जानते हैं, उनके पर्सपेक्टिव जानते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें क्या सुधारना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपोथीसिस यानी परिकल्पना क्या है। हाइपोथीसिस हैज क्लासिकल बीन रेफर्ड टू एज एन एजुकेटेड गैस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। दिस डिस्क्रिप्शन इज समवॉट करेक्ट आफ्टर अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड। द साइंटिस्ट वुड टिपिकली कंडक्ट सम रिसर्च अबाउट द प्रॉब्लम एंड देन मेक अ हाइपोथीसिस अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग हिज और हर एक्सपेरिमेंट। तो मेनली जो हाइपोथीसिस है उसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की हम कल्पना करते हैं पहले से ही, उसी को हम कहते हैं हाइपोथीसिस। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए, एग्जांपल्स ऑफ हाइपोथीसिस, इफ़ आई ऐड फर्टिलाइजर टू माय गार्डन देन माय प्लांट्स विल ग्रो फास्टर। मतलब इसका क्या है, अगर मैं अपने गार्डन में फर्टिलाइज़र यानी कि खाद डाल दूंगा तो मेरे जो प्लांट है वो और तेज़ी से क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो हम परिकल्पना कर रहे हैं यानी इस चीज़ को हम पहले से सोच रहे हैं, हाँ अगर हम ऐसे करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है हमें पॉजिटिव मिलेगा। फिर दूसरा एग्जांपल, इफ़ आई ब्रश माय टीथ एवरीडे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटीज़। अगर मैं रोज़ ब्रश करूँगा या अगर मैं रोज़ ब्रश करूँगी तो कैविटीज़ हैं वो हमारे दांतों में नहीं पनपेंगी। तो ये जो परिकल्पनाएं होती हैं इसी को हम कहते हैं हाइपोथीसिस यानी पहले से किसी चीज की कल्पना करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो ये भी आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। He puts emphasis on the view that education is that which help one to acquire knowledge, culture, righteousness, self-control and the like virtues and eradicate ignorance and evil habits. He suggested the multi-sized curriculum, perfection and importance of humanism and rationalism. तो इसका मतलब ये है दयानंद सरस्वती के अनुसार जो एजुकेशन है यानी जो शिक्षा है वो हमारे अंदर जानकारी पैदा करती है, हमें हमारा जो कल्चर है हमारी संस्कृति है उसे रूबरू कराती, क्या सही है क्या गलत है वो बताती है,
अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कैसे करें वो बताती है, और जो बुरी आदत होती है उसको दूर करती है। तो यही जो उद्देश्य है वो है दयानंद सरस्वती का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इनोवेशन, एक नवाचार क्या है। तो इनोवेशन इज कॉमनली डिफाइंड एज द कैरिंग आउट ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन दैट इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। एंड इनोवेशन इज समथिंग ओरिजिनल एंड मोर इफेक्टिव एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस न्यू दैट ब्रेक्स इनटू द मार्केट और सोसाइटी। तो आप सभी को पता होगा इनोवेशन क्या होता है, यानी नवाचार क्या होता है। जब कोई नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करा जाता है तो उसी चीज़ को हम कहते हैं इनोवेशन यानी नवाचार। और हमेशा इनोवेशन क्यों करे जाते हैं, ताकि हमारी जो सोसाइटी है जहाँ हम रह रहे हैं वो अच्छी हो सके और बेहतर हो सके। तो उसी को हम कहते हैं इनोवेशन, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, नई चीज़ों को लाना सोसाइटी में, उसी को हम कहते हैं इनोवेशन। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम कल्चर, कक्षा संस्कृति की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इंगेजमेंट, एक क्लासरूम में हमेशा जो स्टूडेंट है उसकी इंगेजमेंट रहना चाहिए, मींस वो चीज़ों में व्यस्त होना चाहिए, अपनी क्लियर एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए। मतलब अगर आप क्लास में बैठे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब आपको क्या पढ़ना है, हमें ये आज सीखना है। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी क्लियर होना चाहिए, हाँ आज हम स्कूल जा रहे हैं, आज हम क्लास अटेंड करेंगे, तो आज हम ये सीखेंगे। फिर है इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यानी एक क्लासरूम में जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एक दिन में बहुत सारी क्लास अटेंड करनी होती है। तो क्लासरूम का जो टाइमिंग होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वो सीख पाए। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब बच्चे जो हैं वहाँ पर सब कोऑपरेटिव हों, सब एक दूसरे की मदद करते हों, सब जो माहौल हो वहाँ का अच्छा हो। फिर लास्ट डिसिप्लिन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अनुशासन। तो एक क्लासरूम में अनुशासन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेनिफिट यानी लाभ, एक्शन रिसर्च के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं साथ में उसको हिंदी में भी बताती जाऊँगी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इट मेक्स द टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर रिसर्च एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर रिसर्च माइंडेड। मैंने आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कि एक्शन रिसर्च क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि उसके लाभ क्या हैं। तो यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर एक्शन रिसर्च के मैंने डेफिनेशन बताई थी पिछले वीडियो में, ये वही डेफिनेशन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, जब हम अपने आप की खोज करते हैं समाज में रह के, जब हम समाज में रहते हैं हम अपने आप की खोज कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारे अंदर क्या खामियाँ हैं, हमें क्या चीज़ें सुधारनी हैं, और हमें सोसाइटी के साथ कैसे चलना है, कौन से सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ रह के सीखते हैं, सोसाइटी में। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान। अब मैं बताऊँगी कि उसके लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसका मतलब है, जो टीचर स्टूडेंट है यानी छात्र अध्यापक हैं, अगर वो एक्शन रिसर्च करते हैं तो उनको उनका बेनिफिट क्या मिलेगा, कि उनका जो माइंड है वो रिसर्च माइंडेड बन जाएगा। अब जैसे कि देखिए, जब हमारे जो कॉलेज हैं, हम लोगों को जो टीचर स्टूडेंट होते हैं डीएलएड के, यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे टीचर बनने जा रहे हैं, उनको इंटर्नशिप पे भेजते हैं। उनको इंटर्नशिप पे क्यों भेजते हैं, ताकि वो वहाँ पर रहें, उस एनवायरनमेंट में रहें, जाने कि कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों को कैसे डील करते हैं। तो वहाँ पर रह के वो अपनी चीज़ों को सीखते हैं और उनकी जो चीज़ें हैं उनको सुधारते भी हैं। तो इससे उनको फ़ायदा होता है अपने आगे के फ्यूचर के लिए जब वो टीचर बनेंगे। तो इट मेक्स देम टू इम्प्रूव देयर वर्ल्ड ऑफ वर्क हैबिट्स एंड हैव प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। और जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, हम जब इंटर्नशिप पे जाते हैं तो वो भी एक टाइप का एक्शन रिसर्च ही है। हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हम उस एनवायरनमेंट में जाते हैं कि वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, हमें कैसे बिहेव करना है, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। तो हमें वहाँ जाके पता चलता है कि हमारी जो वर्क हैबिट है वो कैसी है, हमें कैसे काम करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इट मेक्स देम टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस ब्रिंग।
तो क्या होता है जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं तो हमारी चीज़ें क्या होती हैं, सुधरती जाती हैं और एक हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, सोसाइटी में रहने के लायक बन जाते हैं। द रिजल्ट ऑफ सच रिसर्च फाइंडिंग कैन बी बेस्ट यूटिलाइज फॉर इम्प्रूविंग देयर वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड डेवलपिंग देम प्रोफेशनली एज मच एज पॉसिबल। तो एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान का अगला लाभ है, इससे क्या होता है हम लोग अपने आप में तो हमें सुधार आता है पर्सनली, साथ में हमारा प्रोफेशनली भी सुधार आता है। अगर हम इंटर्नशिप पे जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर क्या पता चलता है, हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं कि हमें ऐसे टीचर बनना है, ऐसे पढ़ाना है, ऐसे बिहेव करना है। तो ये क्या हो रहा है, हम प्रोफेशनली भी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग द सराउंडिंग कंडीशन एंड एनवायरमेंट क्वाइट कंडक्टिव टू प्रॉपर टीचिंग एंड लर्निंग। जब आप लोग इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, मैं यहाँ बार बार इंटर्नशिप का आप लोगों को एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ, ये कॉमन है, सब फेस कर चुके हैं या आगे जाके करेंगे फेस। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्शन रिसर्च का, इसलिए मैं आपको बार बार इंटर्नशिप का एग्जांपल बता रही हूँ, वो भी एक टाइप का एक्शन रिसर्च ही है। ठीक है, तो फिर इसका जो पॉइंट है, इसका मतलब है, जब हम ऐसे सराउंडिंग में जाते हैं, सराउंडिंग मतलब ऐसे वातावरण में जाते हैं, वहाँ जाके हम सीखते हैं कि प्रॉपर टीचिंग कैसे करते हैं, अच्छे से पढ़ाते कैसे हैं, और बहुत चीज़ें हम लर्न करते हैं। तो ये जो सारे लाभ हैं वो हैं क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपको 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव तो आपको फिर कभी बताऊंगी, लेकिन मैं आज इसका जो आंसर है वो आपको बताती हूँ कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन, हिंदी में ऐसा पूछा जाता है गांधी जी का शिक्षा दर्शन, और इंग्लिश में एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। तो यहाँ मैंने लिखा है कि गांधी जी की शिक्षा दर्शन यानी उनकी एजुकेशन फिलॉसफी क्या थी। तो ही सिंथेसाइज ऑल 3 बेसिक फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन इनटू हिज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। लाइक अ नेचुरलिस्ट, गांधी जी एम्फेसाइज सेल्फ डिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन। ही क्लेम दैट एवरी चिल्ड्रन इन इंडिया हैड टू बी ट्रेंड एज एजुकेशन वॉज द सीक्रेट टू अ सक्सेसफुल लाइफ। सम ऑफ हिज आइडियोलॉजीज वर, तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा है उससे बच्चे के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। तो 3 चीज़ें वो होती हैं, जो बच्चा होता है वो आदर्शवाद बन जाता है, प्रकृतिवाद बन जाता है, और उसका जो व्यवहार है वो भी सुधर जाता है, और उसका जो व्यवहार है वो इस लायक बन जाता है कि वो सोसाइटी में कैसे रहे, लोगों को कैसे डील करे। तो गांधी जी के जो अनुसार है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी उनकी कुछ आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज मतलब विचारधारा। तो गांधी जी की यहाँ पर मैंने 4 विचारधाराएं लिखी। सबसे पहले फ्री कंपलसरी एजुकेशन, यानी जो शिक्षा है वो फ्री होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। फ्री मतलब मुफ्त होनी चाहिए और कंपलसरी यानी सबको ही वो करना है, ऐसा कंपल्शन कर देना चाहिए, ज़रूरी है। तो दूसरा है सेल्फ सस्टेनेंस। तो सस्टेनेंस मतलब होता है सपोर्ट, मतलब आत्मनिर्भर हो, किसी पे निर्भर ना हो। मदर टंग एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो शिक्षा होनी चाहिए तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जो भी जो शिक्षा होनी चाहिए वो मदर टंग लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, यानी जिसकी भी जो भी मदर टंग लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए। मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, तमिल है, जो भी है, जिसमें जो भी कंफर्ट है तो उसमें उसकी जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आइडियोलॉजी यानी विचारधारा है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, जो कि हमको सबको पता है, अहिंसा। तो ये है गांधी जी की आइडियोलॉजीज, और यहाँ पर मैंने आपको 3 की बेसिक फिलॉसफीज भी बताई हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट में आ सकता है और ये आप लोगों को 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यानी शिक्षक के रूप में एक सूत्रधार की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो मैं आपको 1 by 1 यह पॉइंट पढ़ूंगी और उसको हिंदी में समझाऊंगी। एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग द टीचर मस्ट बी वार्म, अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ कंट्रोलिंग, ही मस्ट लिसन एंड एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग। तो जो टीचर होना चाहिए, जो शिक्षक होना चाहिए, उसको बहुत ही ज़्यादा वार्म होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और सेल्फ कंट्रोलिंग होना चाहिए। इसका मतलब होना चाहिए
कि सारे बच्चों को वो सुने और सारे बच्चों की जो फीलिंग्स है उनको एक्सेप्ट करे, क्योंकि एक टीचर के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। जो कुछ टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके सिर्फ दो तीन फेवरेट्स होते हैं और बाकी कोई फेवरेट नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग भी टीचर बनने जा रहे हैं तो सबको एक जैसा ही हमें देखना है और सबकी फीलिंग्स को समझना है, कौन कैसा है सबको अंडरस्टैंड करना है। और सबसे मेन चीज़ है सेल्फ कंट्रोलिंग, अपने आप पे नियंत्रण रखना है। क्योंकि बहुत से टीचर्स होते हैं, आजकल तो कॉमन हो गया है कि जो टीचर होते हैं वो मार से और पिटाई से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, और यह हमें उनसे कुछ भी नहीं कह देना है। बच्चे हैं तो उनसे ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कह दें, हमें उनसे बहुत अच्छे से बात करनी है, उनको समझना है और उनको सुनना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ही शी मस्ट ऑब्जर्व स्टूडेंट रिएक्शन क्लोजफुली। हर बच्चे को बहुत करीबी से उनके जो रिएक्शन है उनको ऑब्जर्व करने चाहिए, कौन सा बच्चा किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, किसको किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है। तो हर एक बच्चे को क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्लोजली फुल्ली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, मतलब उनको देखना है। ही मस्ट लिसन अटेंटिवली एंड एक्सेप्ट स्टूडेंट फीलिंग एंड आइडियाज। कोई भी बच्चा टीचर को कुछ बता रहा है तो उसको हमको अच्छे से सुनना है और उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं बच्चा बता रहा है कुछ भी तो हम सुन नहीं रहे, हम अपने काम में लगे हैं, या आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर नहीं दे पा रहा, वो कुछ भी बता रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। उनको मोटिवेट करना है, उनको सुनना है, ताकि आगे चल के उनके अंदर मोटिवेशन पैदा हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ही शी मस्ट आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, प्रेज एंड इनकरेज वेन नेसेसरी। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया, आप लोग बच्चों से क्वेश्चन पूछिए तो, और जब वो आंसर दें तो उनको शाबाशी दीजिए, इनकरेज कीजिए आगे के लिए। और अगर वो आंसर नहीं भी दे पाते तब भी उनको इनकरेज करिए और उनको बताइए आंसर कि उसका आंसर क्या है प्यार से। नहीं तो ऐसा क्या होगा, अगर डांट देते हैं कि आपको नहीं आता है तो मैंने पढ़ाया था, तो आप जब बच्चे से ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो बच्चा क्या होता है, उसका जो पढ़ाई से उसका मन हट जाता है, उसको या वो टीचर ही अच्छा नहीं लगता या वो सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे काम हमें नहीं करने, हमें बच्चों को पढ़ाना है, डराना नहीं है। व्हेनेवर ही शी क्रिटिसाइजेस अ स्टूडेंट ही मस्ट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर आप किसी बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी चीज के लिए दोषी आप उनको दोष दे रहे हो या कुछ आप उनको बता रहे हो, तो उनको पूरा एक्सप्लेन करो कि हम इस चीज की वजह से तुमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तुमको मना कर रहे हैं, तुमको दोषी ठहरा रहे हैं, तो ऐसा काम मत करो। ऐसा नहीं है बस आप बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उससे क्या होता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। तो उनको उनका रीज़न बताओ, एक्सप्लेन करो। ही शी मस्ट बी स्टिम्युलेटिंग एंड इमेजिनेटिव इन हिज अप्रोच टू क्लासरूम बिहेवियर एंड सब्जेक्ट। और बच्चों को आप लोग अप्रोच कीजिए कि आपको पढ़ना है क्लासरूम में, आप उनका बिहेवियर देखिए, उनको पढ़ाई के लिए अप्रोच करिए, सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट पैदा कीजिए नई नई एक्टिविटीज़ के साथ। फॉर फैसिलिटेट लर्निंग द टीचर मस्ट इनकरेज क्लासरूम डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो बच्चों का मन लगे पढ़ाई में, वो इनकरेज हो पढ़ाई के लिए, तो क्लासरूम ऐसा माहौल बनाइए। तो माहौल कैसे बना सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनवा दिए, उनको कोई टॉपिक दे दिए जिसपे वो डिस्कस करें, कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन रख दिए, दो टीमें बना दिए, क्वेश्चन पूछेगी एक आंसर देगी। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई की तरफ। वेन एवर नेसेसरी ही मस्ट लेक्चर डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन थिंग्स विद एग्जाम्पल। ही मस्ट इनकरेज इंडिपेंडेंट स्टडी हैबिट्स। तो ज़रूरत पड़ने पर आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको चीज़ों को एक्सप्लेन करिए, एग्जाम्पल के साथ कोई चीज़ दिखाइए। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी चीज़ के साथ उनको दिखाना, एग्जाम्पल के साथ उनको दिखाना। जैसे TLM है, आप बच्चे को अगर प्लस माइनस सिखा रहे हो तो उसको कोई TLM है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसको आप दिखा के आप या बना के उनको बता सकते हैं ताकि उनको क्लियरली समझ में आए, या आप उनको उससे रिलेटेड कोई वीडियो भी दिखा सकते हैं जिससे वो क्या हो, इनकरेज हो पढ़ने के लिए। तो ये हैं आज के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट। अगर आपको समझ में आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।